सो गाइस फाइनली 1 month and 6 days के बाद ये ट्रेन आया हूँ सिलचर से WDG 4 सिलीगुड़ी और लिखा है इसमें 12857 ये ट्रेन आया हूँ टेस्टिंग के लिए। ये देखो 22 को आया था और अभी आज डिस्चार्ज होकर रखा है। What's up guys and welcome back to the channel। मैं हूँ इस वक्त हाफलोंग में। बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया कि इस हाफलोंग जो रेलवे स्टेशन को दोबारा दिखाने के लिए, तो मैं फिर से आ गया हूँ 150 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये चेकिंग करके आया हूँ और यहाँ मिल चुका है हमें ज्वेल। तो आप देख सकते हैं मेरा पीछे में व्यू बहुत ही खूबसूरत है और धूप भी दे रहा है अभी। तो ये देखो व्यू, वो नदी हो गया जटिंगा, यहाँ से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो लैंडस्लाइड छोटा छोटा करके, जो वाइट वाइट करके जो दिख रहा है ना, ये सब लैंडस्लाइड होने वाला है। ड्रोन। सो गाइस दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ ये वाला सीन, खराब वाला रोड, खराब वाला सीन। ये देखो आप देख सकते हैं उधर से गाड़ी आ रहा है, पानी जा रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। उस दिन तो पूरा पानी भर के आया था इस वाला ड्रेन में, तो मतलब रोड से आधा आ रहा था और इधर से आधा आ रहा था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शायद करेंट का रिपेयरिंग चल रहा है। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले से अभी थोड़ा ठीक हो गया क्योंकि पानी बहुत कम है। तो गाइस हम आ चुके हैं न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन। ये देखो पानी, उस दिन भी आके देखा था पानी ऐसा ही है और अभी भी ऐसा ही है, क्योंकि पानी जो है ना ऊपर से आ रहा है, ये रोड से पूरा ड्रेन होके आ रहा है। और ये तो अभी तक नहीं बनाया है, ये देखो पूरा क्रैक हो गया। इधर वॉल देना चाहिए था शायद, नीचे में वॉल है, इधर वॉल नहीं दिया है अभी तक। और ये देखो उधर काम कंटिन्यू चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो गया यार। उस दिन आके देखा था ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो गया, अभी फिर से दोबारा देख रहा है और भी अभी तो पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखो पूरा काम कंटिन्यू चल रहा है। तो चलो नीचे जाके दिखाता हूँ आपको फिर से दोबारा। आज हम आपको लेके चलने वाला है ब्रिज पे, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारा लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि ब्रिज में जाके दिखाना बोल के। तो चलो जाके ही दिखा देता हूँ ब्रिज में नीचे पे। तो सो गाइस ये देखो, पहले भी दिखा चुका हूँ आपको ये वाला लैंडस्लाइड, ऊपर से पानी आ रहा है, मतलब जहाँ जहाँ अब लैंडस्लाइड हुआ है ना वहाँ से सब पानी आ रहा है, उसके वजह से लैंडस्लाइड हो गया। सो गाइस ये देखो, ये है ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है, इधर ब्लॉक हो गया, साफ कर रहा है। और हम आया था ऐसा घूम के पूरा आ गया था और टनल रह गया वहाँ पे, तो हम इस तरफ से हमको आपको दिखाने वाला है। लास्ट टाइम मैंने उस तरफ में दिखाया था और फिर टनल भी दिखाया था, तो हम इधर से होके रेलवे को भी दिखाऊंगा, फिर जाके ब्रिज को भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं इतना स्किप नहीं करूँगा, एडिट नहीं करूँगा, आप लोग स्किप मत कीजिए नहीं तो आप लोग मिस हो सकता है। कैसा है, ठीक है? हाँ अच्छा। तो ये देखो भाई लोग अंकल सब ठीक है बोल रहा है, काम पूरा ठीक ठाक चल रहा है अभी। और ये देखो यहाँ पे फेंक रहा है मिट्टी वगैरह, नदी में फेंक रहा है, मतलब ऊपर से जितना भी आके जमा हो गया ना रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से फिर इधर मिट्टी फेंक रहा है नदी की तरफ। कुछ दिन पहले सिलचर से ट्रेन आया था, शायद ये होगा, ये आके इधर ही फंस गया, मतलब उधर जा नहीं सकता है और इधर जा नहीं सकते। ये देखो इस तरह पूरा क्लीन हो गया,
तो गैस हम आ चुके हैं नीचे दूसरा वाला ट्रैक में। आगे जाके आपको दिखाता हूँ आगे में ट्रेन जो पलटी होने वाला है उस तरफ है। और ये देखो नीचे पूरा क्लीन है, साफ सफाई हो गया, उधर भी क्लीन है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो सब चला जाएगा। चलो ये जो है ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज का ऊपर से जाके आपको दिखाता हूँ। तो गैस अभी हम आ चुके हैं फ्लाई ओवर का ब्रिज ऊपर में, और हम गया था इधर से ऐसा घूम के, पूरा उधर से ऐसा होके आया था। ये देखो पूरा साफ सफाई हो गया, क्लीन हो गया। ये देखो उधर कंटिन्यू काम चल रहा है, सिर्फ वहाँ उधर ही बाकी है खत्म होने के लिए। और ये जो ट्रेन है ऑलमोस्ट बन हुआ है, 1 month 6 days हो गया है। तो 22 June को आया था एक ट्रेन लोकोमोटिव इंजन टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग हो गया बॉर्डरपुर से न्यू हाफलोंग तक। बाकी उधर से आगे जा गया कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे न्यूज़ में मिला है ये लोकोमोटिव जो इंजन है वो टेस्ट के लिए आया था यहाँ 22 को बोटापुर से लेके हाफलोंग तक। अब टेस्ट कंप्लीट, और वो लोग टारगेट रख रहा है कि नेक्स्ट मंथ का जो अराउंड 10 जुलाई में हो जाएगा, टारगेट रख रहा है उस समय में हो जाएगा, ऐसा ओके रख रहा है। बाकी होगा कि नहीं होगा, अगर बारिश नहीं दे रहा तो हो जाएगा, लेकिन सुनने में भी आ रहा है कि दूसरा तरफ से अभी ट्रेन आने वाला है, डिंगरा उमरांग से होके जाने वाला है ट्रेन, वो भी सुनने में आ रहा है। बाकी फिर जो भी हो ये ट्रेन खुलने के बाद आपको फिर से दिखा दूँगा। उस दिन जिस दिन 22 था ना, उस दिन मैं उमरांग से में था, रोड सर्वाइड करने गया था कि उधर से रोड क्लियर है कि नहीं, और डिंगरा में जो है ना फ्लड हो गया था पूरा, तो वही आपको दिखाने के लिए गया था। बाकी उस समय में मिस कर दिया ट्रेन आते वक्त। खैर जो भी हो अभी आगे जाके दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पे जो ट्रेन है ना स्टार्ट होकर रखा है, मतलब इंजन लोकोमोटिव वही इंजन आया था बोडापुर से लेके न्यू हाफलोंग तक। और अभी फिर एक ट्रेन आने वाला है स्पेशल, 2 डब्बा लेके आने वाला है सिलचर से। बाकी यहाँ आके 3 बजे को आके पहुँचेगा, सामान वामान लेके आएगा रेलवे का। कुछ भैया ने बता रहा था, भैया लोग उधर रह रहा है तो वो लोग रेलवे डिपार्टमेंट होगा शायद। तो या ऐसा कुछ है अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ से हाफलोंग से लमडिंग टेस्टिंग नहीं किया हूँ अभी तक। फिलहाल यहाँ तक टेस्टिंग हो गया, और यहाँ तक मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब 2 डब्बा लेके आने वाला है आज। और 22 को एक डब्बा सिर्फ एक इंजन आया था लोकोमोटिव, और आज 2 डब्बा आया आने वाला है। तो बस ये देखो ट्रेन खींच रहा है इस से, ये मशीन है, कौन सा मशीन है वो तो नहीं पता है, शायद यही लेके आया होगा। तो बस ये देखो बस थोड़ा ही बाकी है, 1-2 डब्बा ही बाकी है। नीचे से जाना भी बहुत रिक्स है यार, 2 नहीं है शायद 3 डब्बा है गाइस, 3 डब्बा है, और यहाँ का 3-4 डब्बा है, अभी भी 4 डब्बा है, 4 डब्बा अभी भी फंसा हुआ है यानी। बाकी काम कंटिन्यू चल रहा है, शायद आज निकल देगा होगा, मेरे हिसाब से निकल देना चाहिए आज से, होना चाहिए मतलब। और लैंड स्लाइड वाला सीन अभी ऑलमोस्ट फिनिश, वहाँ का तो फिनिश अभी यहाँ पे कर रहा है अभी। हेमरा था ना, यार देखो यहाँ में फिर से साफ सफाई करना पड़ रहा है, क्योंकि उस दिन ही पूरा कंप्लीट हो गया था, दोबारा बारिश देने की वजह से फिर से जो मिट्टी वगैरह पानी वगैरह सब आ गया, और फिर से साफ सफाई कर रहा है सब। ये देखो वहाँ दोनों जो लैंडस्लाइड हुआ है ना उसका कंप्लीट हो गया है, अभी यहाँ का रह रहा है, मतलब यहाँ का बाकी है अभी, कर रहा है धीरे धीरे। ये देखो लेबर कितना स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा हार्ड वर्किंग।
कौन सा? तो गाइस ये देखो पूरा ऊपर ही ऊपर रह गया, अब देख सकते हो कितना गहरा है ये। नीचे में बिल्कुल पत्थर ही नहीं है, पत्थर लेके चला गया उस तरफ। इधर से लेंस ले रोके और बल्कि पानी लेंस ले सब आके ये देखो मिट्टी फिर से भर गया। ये बहुत बड़ा लेंस ले हुआ है इधर। जब मैं लास्ट टाइम दिखाया था ना फर्स्ट वाला वीडियो और सेकंड वाला वीडियो, उस समय में पूरा कंप्लीट होने वाला हो गया था इधर, और इतना गड्ढा भी नहीं था। ये जो ट्रैक में अभी पूरा गड्ढा हो गया और इसको फिर से दोबारा करना पड़ रहा है काम। ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है इधर। ये भी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका भी कम्प्लीट ही ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन अगर इसमें साइड वॉल नहीं देगा ना तब ये दोबारा फिर से गिरने वाला है, और अगर बारिश दे दिया ना दोबारा गिरने वाला है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना गिरने वाला ही मिट्टी है ये सब। गाइस मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा था लास्ट टाइम, यहाँ में भी थोड़ा सा हुआ है लैंडस्लाइड, लेकिन इतना नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। साइड वहाँ का ड्रेन ब्लॉक हो गया, और बाकी यहाँ से आपको सामने से दिखा देता हूँ लैंडस्लाइड। इधर ही थोड़ा बच गया था, सब ऊपर पे रोड बना रहा है शायद, और उधर वॉल देने वाला है, फिर लोड होगा इस वाला डंपर में। तो गाइस वहाँ से मिट्टी लेके इधर फेंक रहा है, तो हम अभी आ चुके हैं ब्रिज पे, डियोंग ब्रिज। ब्रिज नंबर है 209, सबसे ऊंचाई ब्रिज है ये। पहले मैं बोरेल ने यार कौन सा ब्रिज था, रवाईटी शानोले गाना चलंका नाजी ब्रिज तुम चलंका बोइला, हाँ सॉरी गाइस, बोइला ब्रिज सबसे ऊँचाई था, लेकिन अभी हो गया ये वाला ब्रिज ऊँचाई हो गया। पहले इधर से जाके आपको दिखा देता हूँ, नीचे जाके दिखाने बोला था, लेकिन नीचे से तो रास्ता उस तरफ है, पूरा किचर किचर है, नीचे जाके तो दिखा नहीं पाएगा, सॉरी आई एम सॉरी अबाउट दिस। सो यहाँ से दिखा देता हूँ आपको ब्रिज, यहाँ से तो नीचे जाने के लिए रास्ता तो नया होगा ना, होगा अच्छा होगा रास्ता है नीचे जाने के लिए। ये देखो ब्रिज बहुत ऊँचा है यार, मिडिल में पूरा ऊँचा है, देखो तो पानी उस तरफ से जाता है, तो मिट्टी वगैरह फेंकने वाला अंदर से फेंक दिया। चलो ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ यार, नीचे जाना भी बहुत ठीक नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। अभी टाइम होके रखा है 12:18 बीच-बीच से जाता है ये वाला ट्रैक, बीच-बीच से जाता है, टूटेगा तो नहीं ना ये। ये देखो
ब्रिज बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा है। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तो हो जाएगा शायद, उस तरफ क्रॉस करने नहीं चाहिए यार मेजर से जाने से। इस तरफ से चलने के लिए दिया है तो इस तरफ चलते हैं। ओ अच्छा, मिडिल से जाने में ठीक था यार, क्योंकि देखो वहाँ पे पे तो जाके दिखा सकता रहा, पुराना वाला ब्रिज उधर है, कौन सा वाला, ये वाला होगा, ये वाला पुराना वाला ब्रिज, उधर से ऐसा आके पूरा तो उस तरफ चला जाता है ट्रेन, और इसको शॉर्टकट मार दिया इस तरफ तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। इस दिमाग सबको अभी सुनने में आ रहा है कि दूसरा ट्रैक बनाने वाला है, ये देखो ब्रिज वाला छोटा वाला ब्रिज, पुराना वाला ब्रिज। यहाँ तो कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ है। सो गाइस, हम लोग अभी आ चुका है ब्रिज का पूरा बीच ओवीस पूरा मिडिल में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोगों का व्यू और नज़ारा खूबसूरत सा, और सर्किट हाउस रह गया वहाँ पे, लेकिन गोप्रो में जस्ती का नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं हाथ से दिखा रहा हूँ आपको ठीक किसी जगह में होता है ये वाला जगह में, और पुराना ब्रिज हो गया वो वाला, और फिर इधर आके ये है जाटिंगा और ये है डियोंग रिवर। तो बस यहाँ पे भी गांव है, मतलब छोटा सा एक गांव है, आदिवासी ऐसा लोग होगा शायद। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 घर जैसे, 3 या 2 घर होगा, 2 घर, बाकी एनिमल वगैरह है उधर उसके लिए रखा है, और इधर जूम वगैरह कर रहा है नीचे में, नीचे तो आपको कहाँ से दिखाऊंगा यार, हाँ यहाँ से देख सकता हूँ, सब्जी वगैरह लगा के रखा है उधर। यहाँ तो गाड़ी नहीं आएगा, बाकी ट्रक आ सकता होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं पता एक्चुअल किधर से आता है ट्रक भी, लेकिन ये आगे जाके एक स्टेशन है मेगरेंग डेसा बोल के, तो वहाँ से पैदल से आता है ये लोग सब। सो गाइस, मैं ऊपर से आके नीचे में सीढ़ी है, तो नीचे जा रहा हूँ आपको गांव वगैरह दिखाने के लिए, और सब्जी वगैरह जो लगा है ना, फार्मिंग जो करता है लोग यहाँ रहने वाला लोग, तो वो जा रहा हूँ मतलब आपको दिखाने के लिए। बहुत लोग ने बोला है कि ब्रिज का नीचे भी आप जाके दिखाना एक बार, ऐसे बोल रहे था, क्योंकि ये ब्रिज में ब्रिज के नीचे सही है, कुछ भी लैंडस्लाइड वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस उधर ही हुआ है। तो बस इधर से आता है स्टेशन भी, इधर से आता है मेगरंग डिसा स्टेशन, तो आ चुके हैं अभी हम लोग गाँव पे, छोटा सा गाँव पे, ये देखो मुर्गिया है इधर, गुरु है, बाकी 2 घर है, हाँ सब फार्मिंग। सो यहाँ पे भी कुछ फार्मिंग कर रहा है, चलते भी फार्मिंग। ओ भाई कैसा है, ठीक है, बढ़िया सब, कैसे है भैया, कैसा है हालचाल, सब बढ़िया है, इधर क्या चल रहा है, पोर्क पोर्क, हाँ डेंजर है ना, ओ नया बच्चा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर भी है क्या, ओ इधर भी है ना, ओ उधर भी है ना, बहुत सारा है ना, ये सब तो क्रॉस ना, क्या बोल रहे हैं उसको, कौन सा जात बोल रहे हैं उसको,
हाँ होंगसाई होंगसाई ये क्या डिपार्टमेंट से है ना ऐसे प्राइवेट ये जगह नहीं 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 ये फार्मिंग का नहीं नहीं प्राइवेट प्राइवेट है ना और ये जगह अपना अपना ही है ना उधर खाना वाना बनाता है हाँ बेचता है सप्लाई होता है ना कहाँ पे होता है सप्लाई सप्लाई नहीं होता मतलब ये दो साल भी नहीं हुआ ना अच्छा अच्छा दो साल भी नहीं हुआ खाली इधर गाड़ी पहुँचता है क्या पहले पहुँचता था अभी तो नहीं पहुँचता किधर से आता है न्यू हफलोंग से नाम से ये नदी पार करने लगता ना अच्छा वो न्यू हफलोंग से वो नीचे नदी नदी होके आता है ना जतिंगा का उधर रास्ता है ना इसको क्या हो गया बीमार ये देख तो ऑलमोस्ट हो गया नीचे आ जाओ तो देखो लोग भी क्रॉस कर रहे हैं उधर जूम गया होगा शायद बहुत ही ऊँचा है लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट ब्रिज इन आसाम बोल सकता है इसको लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट ब्रिज इन आसाम हमें क्रॉस करना होगा रेल ट्रैक से मिनी ब्रिज बोल सकता है इसको बहुत ही ऊँचा है यार ऊपर से नीचे दिखने में भी बहुत ऊँचा है और यहाँ से भी दिखने में बहुत ऊँचा है बहुत ही ऊँचा ब्रिज है ऐसे तेरे क्या लग रहा है जिंजर शायद जिंजर फार्मिंग ना क्या कौन सा ये क्या है ये तो कुचू सब्जी जिंजर काटा है उसको क्या है ये शुगर कैन ना ये वाला शुगर गाय का चारा चारा गाय का पैसे होते क्या ये तो शुगर जैसे नहीं शुगर नहीं है वो मतलब गाय का चारा है अच्छा वो भी नहीं है शुगर तो अच्छा शुगर जैसा है लेकिन प्लान ऑर्डर क्या चल रहा है बनाना ए क्यों भोग रहा है आ जाओ कैसा है सब ठीक ठाक है और देखना है आपका जूम ना क्या क्या कर रहा है इधर क्या क्या लगाता है इधर नेपियर कौन सा ये वाला ना अच्छा ऐसा होता है ना ये शुगर कैन नहीं है ना नहीं इसको नहीं खाता है ना ओ वाला येलो वाला ऑनलाइन में मंगाया गया साल अपना 2020 लॉकडाउन का टाइम में अच्छा ऑनलाइन में ऑनलाइन से मंगाया तो पहुँचते बहुत खराब हो गया पूछ गया ना ऐसा आटा है क्या ऐसा आटा है ऑनलाइन में कैसा रेट है प्राइस इसका इसका पर पीस 5 रुपीज ना कितना इसी का अच्छा ये लाल होने से इसका भी लाल हो जाता है ना लीव्स भी लाल हो जाता है इसका लाल जो होता है ज्यादा इसका ये तो ज्यादा अच्छा है ज्यादा अच्छा है विटामिन अच्छा विटामिन अच्छा है ना इसको खिलाता है ना गुरु को और गुरु को और क्या 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 खिलाता है गुरु खिलाता बकरी को भी खिलाता है और थोड़ा जो नरम वाला है उसको भी टुकड़ा काट के सुअर को भी देता है अच्छा सुअर को भी देते हैं ना विटामिन ज्यादा है मोलवी तो देने से तो आपका दूध भी मीठा बहुत टेस्ट हो टेस्टी है ज्यादा भी होगा ना ज्यादा भी होगा ना दूध भी मिलते है क्या आपका यहाँ में लाइन एक गाय है अभी अच्छा थोड़ा तो बच्चा दूध हुआ है ओके गाय तो ओके है तो लगाते थोड़ा ज़्यादा उनसे गाय भी दो तीन फूल रखेगा बोल के प्लान कर रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है चलो मुझे अच्छा लगा इधर से भी नदी जा सकता है ना नदी को तो नहीं सही है थोड़ा
इधर नदी से उस तरफ जाने के लिए रास्ता तो होगा ना। हाँ, आप नदी पार होके जाने लगेगा। नी तक ना, ठीक है, चलो मिलके अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, उधर से जा सकेगा ना। ठीक, मालिक ये, अच्छा अच्छा ये है ना, ये लगाता है ना लोग। अच्छा ठीक है। हाँ, ये तो डान ना, ये तो रास्ता है। हाँ, ये तो रास्ता है। अच्छा, लोग डान में से लगाता है ना। हाँ, ऐसा फार्मिंग करेगा, अलग से रहेगा, आराम से बैठेगा, पूरा माइंड रिलैक्स करेगा। अरे यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू आ रहा है यार, बोरल का भी आ रहा है। फिर ये देखो कौन सा फार्मिंग चल रहा है यहाँ। ये गुरु को देता है, फिर बाकी जो है भैया ने तो बोल दिया होगा। ये भी एक है, वो भी है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नीचे जाके। ये हल्दी टर्मिक पाउडर, ये वाला ना, रेड वाला भी होता है ये। तो गाइस, फार्मिंग देख के आ चुका हूँ और नीचे से जाने वाला है। अभी पेपर क्रॉस करके जा पाएगा कि नहीं पता, लेकिन जी यहाँ का जो ओनर है उसने बोला है कि नी तो पहुँचा था पानी, बाकी देखता हूँ जाके। अगर नी तो पहुँच गया ना तो मेरा ये भी बीच जाएगा फ़ोन। हाँ, वो जाने हम ना वो समय रे आई नहाने का मन कर रहा है यार। यहाँ तो बहुत गहरा होगा, इसलिए सोच रहे हम लोग उधर से जाके क्रॉस करेगा। तो गाइस, पहुँच चुका है नदी पे, दूसरा वाला साइड से आया हूँ क्योंकि उस तरफ नदी थोड़ा सा भरा है, क्रॉस नहीं कर पाएगा शायद, उसका वजह से इधर आ गया हूँ। ये देखो, इधर छोटा ही नदी है। अब नदी में आके भी आपको दिखाने का मौका भी मिल गया, क्योंकि ये देखो अलग सा व्यू और नज़ारा है। अगर यहाँ पे ना अभी थोड़ा देर, अगर 1 वीक जैसे ऐसा डूब देते रहेगा, तब तो ये पानी पूरा साफ सफाई, पूरा क्लीन होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। सोचता हूँ अगर ये सब पानी एक बार क्लीन हो जाने के बाद यहाँ आके दोबारा सा कैंपिंग करने वाला, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो क्रॉस कर लेते हैं, ज्वेल आ रहा है पीछे से। तो गाइस, अभी हम लोग क्रॉस करने वाला है डियोंग रिवर। पानी बहुत स्पीड है, उसके लिए मैं स्टिक ले लिया हूँ। और यहाँ पे फोन है, ये भी बीचने के लिए डर लग रहा है मेरे को, इसको अच्छा से उठा लेता है। हाँ, अब सिंह ना फोन बस इतना ही बोल रहा है। डियोंग नदी, हाँ अब ना जी, तो बस ये है मेजरमेंट के लिए रखा होगा पानी, 38 381 380 380 379 379 378। पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया होगा, शायद ऊपर तक तो पहुँच गया होगा, जिस दिन फ्लड हुआ था ना उसी दिन में तो। और हम लोग आया था देखो उस तरफ से, ऐसा घूम के आ रहा था। अभी क्रॉसिंग हो गया, ये वाला जाटिंग का रिवर है और वो वाला डियोंग रिवर है, तो कंप्लीट क्रॉस भी कर लिया। बस यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ फिर दोबारा, फिर होना जंडे फिर आओ। हम लोग इस तरफ से भी आ सकता रहा, लेकिन उस तरफ घूम के आया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा हो सकते है सोच के। तो ये देखो, शायद ये भी कुछ पहले बनाया होगा, मतलब ये ब्रिज बनाने का टाइम में बना के रख दिया होगा, किस लिए बनाया है ये वो तो नहीं पता है।
जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बिलो। सो गाइस बस इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आपने जैसे बोला वैसे ही दिखा दिया, एंड कुछ मैंने गलत बोला तो आई एम सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।